हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, 17 मार्च SSC CHSL। कितने क्वेश्चन किए आप लोगों ने? हमने सर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। आपने 65 78 82 74 60+ 62। क्या था करंट से क्वेश्चन? क्या था करंट से क्वेश्चन? ज़्यादा नहीं आए थे, स्टैटिक जी के पोर्शन ज़्यादा था, करंट का ऐसा नहीं था। पहला क्वेश्चन था सर, जयपुर की हवा महल की जो बाहर है उसमें कितनी खिड़की थी? कितनी खिड़कियां हैं उसमें? यस सर, मतलब हवा महल वाला क्वेश्चन बहुत ऑकवर्ड था, वो कभी आते किसी ने नहीं बताया हुआ ना कि बाहर कितनी, बाहर लिखा है कि कितनी खिड़कियां हैं। अब जयपुर जाना है, पहले हवा महल पे चढ़ाई चढ़ाई होनी है, सबसे पहले चढ़ाई हवा महल पे होनी है। अगर ना करंट की बात करें तो ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह, मिस वर्ल्ड वगैरह के क्वेश्चन थे। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है और बांकापुर अभयारण्य, ये क्वेश्चन आए थे। कहां परिस्थित है? नेम जो चेंज हुए सर, वो जैसे वो टनल का नेम चेंज हुआ ना, अटल टनल, जम्मू कश्मीर में। हाँ, चीफ इलेक्शन कमीशन का टेन्योर कितना होता है, ये क्वेश्चन आया था। टेन्योर कितना होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का? ओके, और क्या रहा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कुछ कुछ क्वेश्चन बायो से था। टिश्यू लेवल का पूछा गया था कि कौन कितने कि टिश्यू में जो ट्री होता है उसमें किसका कौन सा टिश्यू ऐसा होता है जो उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। और भी था बायो से कुछ? और भी था और नहीं था। और कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन आया था कि जो पाइथन होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, और जो फोरटेन वगैरह, लिनक्स वगैरह कौन सी लैंग्वेज होती है, वो भी पूछा। ओके, और अवार्ड से कुछ था? एक था अवार्ड। संविधान वगैरह से कुछ था? एक क्वेश्चन था, क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें, किस कंट्री से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज? संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस कंट्री से ली गई है? ओके ओके, और क्या रहा? एक क्वेश्चन आया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? और पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए, ये पूछा गया था। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? यस सर। और दिल्ली में चढ़ाई किसने की, ये भी तो था सर। दिल्ली में चढ़ाई हिस्ट्री से था, इब्राहिम लोधी। किस पर? इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर कब बैठा था, ये पूछा गया था, कब बैठा था। और क्या रहा? और कुछ करंट का, कुछ जियोग्राफी से? नहीं, नदी पहाड़ वगैरह। कंट्री का इनलाइन बाउंड्री पूछी गई थी, इंडिया की इनलाइन बाउंड्री सी लेवल को टच करते हुए। अच्छा, कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है उसका पूरा रेडियस पूछा, मतलब कितना पूछा गया था, टच कितना करता है बाउंड्री को नीचे साउथर्न पॉइंट को। अच्छा, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से कोई नहीं। और क्या रहा? जनरल अवेयरनेस में काफी क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री से कुछ और बताएंगे? हिस्ट्री से कुछ और? नहीं, मॉडल और उनसे उतने ही बहुत करंट आया था, बस इब्राहिम लोधी वाला क्वेश्चन था, बस लोकल हिस्ट्री से, वहीं से एक ही था। एक ही क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। रीजनिंग में ज्यादातर श्रेणी के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, श्रेणी से क्वेश्चन था कि आइसोबार्स कहते रखे थे, आइसोबार्स बताना था कि इनमें किसका कॉम्बिनेशन आइसोबार्स का है, कॉम्बिनेशन है। और केमिकल से भी रिलेटेड था कुछ? ये क्वेश्चन आया था बस, केमिस्ट्री के आइसोबार्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था बस। से भी रिलेटेड था, उसमें गुरुत्वीय तरंगों की खोज करने की वो पूछी गई थी। डिस्कवर किया था, मतलब किसको यूज किया गया था ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर करने के लिए, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया था, तो उसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा था, फुल फॉर्म नहीं दिया था, तो शॉर्ट वर्ड्स में दिखा वो। योजनाओं से रिलेटेड कोई स्कीम गवर्नमेंट की, इसके अलावा और कोई? वो है रोहतांग सुरंग का नाम क्या कर, किसके नाम पर रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम। जिसमें भूजल योजना का मतलब सुरंग का नाम रखा गया अटल बदल गया। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा था, वो पूछा कार्यकाल पूछी थी कितनी एज तक रहना, क्या क्या उसकी एज भी पूछ रखी, कार्यकाल कितने से और उसकी एज कितनी होनी चाहिए आखिरी तक। अच्छा, हाँ 65 तक दे रही थी उसमें, किस एज में उनको रिटायर्ड हो जाना होता है। बाकी क्वेश्चन स्टैटिक जी, करंट ऐसा आया नहीं था कि बहुत ज़्यादा करंट से कुछ पूछा, करंट से 5 or 6 क्वेश्चन मोस्टली, और वो भी इस तरीके से कि स्टैटिक फॉर्म में ही करंट को रिलेट करके पूछा गया था। तो हमेशा पढ़ते समय करंट अफेयर्स ये उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, उससे रिलेटेड पीछे का क्या है, जैसे हम लोग मॉर्निंग क्लास में लेते हैं तो उसके बारे में। इलेक्शन कमीशन का ही पूछ लिया कि इलेक्शन कमीशन का कितना होता है। एक क्वेश्चन था क्रिकेट से, उसमें पूछा गया था कि किस कंट्री ने विकसित करके इस तरह से था कि वाइबल ऑफ द क्रिकेट किसको बोला जाता है,
किस कंट्री में बाइबल ऑफ द क्रिकेट करके है, जो मैगजीन है उसको बाइबल ऑफ द क्रिकेट बोला जाता है। उसमें ऑप्शंस थे कंट्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सबके इंडिया। विजडन पत्रिका भी लॉन्च की गई है, वो पूछी थी जो विजडन पत्रिका है वो कहाँ की है, मतलब कौन प्रकाशित करता है। ऑस्ट्रेलिया था उसमें और तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम था और भी कई देश थे ऐसे पर गए। पेपर अच्छा था, पेपर अच्छा था, बस थोड़ा जो मैथ का पोर्शन था वो थोड़ा सॉल्व वाला था तो काफी लेंथी था पोर्शन उसको, तब टाइम में थोड़ा कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। क्या क्या रहा मैथमेटिक्स में, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्वेश्चन क्या था ट्रिग्नोमेट्री वाला, जैसे 2 sin स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होता है, इसका निकालना था कि x की वैल्यू निकालनी थी और थीटा देकर उससे cosec थीटा की वैल्यू निकालनी थी और sin थीटा दिया हुआ था और sin 3 थीटा की वैल्यू पूछा थी, sin 3 थीटा की वैल्यू निकालनी थी, कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी थी तो उसका उल्टा पूछा था। पाई चार्ट से आए थे 2-3 क्वेश्चन, क्या थे वो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन, किस तरह के पाई चार्ट वाले, परसेंटेज वाले थे, उसमें कितनी परसेंट पास हुआ, कितनी परसेंट फेल हुआ, उसमें से पूछा था कि फोर्थ क्लास में कितना परसेंट बना और ऐसे करके 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से भी था, से था ऐसे 978 रुपए की कोई वस्तु है उसे 925 में बेच दिया, कितना डिस्काउंट दिया है उसके उसके लिए। एक प्रॉफिट लॉस से था, जैसे 20% का प्रॉफिट होता है और उसी पे 20% का लॉस हो तो क्या उसमें लाभ कितना होगा उसको। SI से 8,000 रुपए मतलब बैंक में जमा किए हैं और 6.5% दर थी, 18 महीने बाद कितने मिलेगा उसे मिलेगा। और इस 2 संख्याओं का गुणनफल दिया था और योगफल दिया था, पूछा था इनके वर्गों का योग क्या होगा था। स्पीड टाइम डिस्टेंस सबसे एक एक क्या था, ट्रेन से था, दोनों ट्रेनें एक साथ चलती हैं, एक ही साथ समकोण बनाती हैं, एक चलती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा और उनका समय था 20 सेकंड का समय था, उनकी बीच की दूरी पूछी थी। रीजनिंग काफी इजी आया था, इंग्लिश और रीजनिंग का पोर्शन काफी इजी था। रीजनिंग बताइए, रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग बहुत इजी था, त्रिभुज पूछे गए थे उसमें। हां, कितने त्रिभुज निकाले? हां निकाले। कितने कितने थे उसमें? 24 निकाले, एक में 9 थे, एक में 22 आए थे। हां, दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे। एक सर्कल था उसमें ट्रायंगल बनाया हुआ था, फिर उसके अंदर भी ट्रायंगल बना हुआ था, ऐसे 2-3 ट्रायंगल बने हुए थे। सभी क्वेश्चंस एवरेज लेवल के थे, कि सब बच्चे कर सकते थे, काफी अच्छा, मतलब रीजनिंग का काफी मॉडरेट था, हाई लेवल वर्जन नहीं था, सही था, बहुत अच्छा था, इंग्लिश भी और मॉडरेट था उसमें। मैथ तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी पेपर बहुत अच्छा था पूरा। मैथ्स में कैलकुलेशन करना होता है इसलिए, बाकी रीजनिंग में तो दिमाग लगाना होता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब 1 मिनट में आप 3 क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो, टाइम ज्यादा टाइम नहीं था। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन की लाइन जैसे वो एज से था, ऐसे एक मतलब एक फैमिली की एज दी है, 3 थे उसमें, उनकी एज दी थी 96 और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 15 जोड़ने थे। फिर से बोलिए क्वेश्चन। जैसे 3 फैमिली थी, माँ बेटी और बहन, उनकी टोटल आयु थी 96 इयर्स और उसने बोला था कि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो टोटल करके वो 5 96 में 5 आ रहा था उसका आंसर। नंबर से क्वेश्चंस काफी थे, मिसिंग नंबर्स कितने क्वेश्चन होंगे? 4 से 5 क्वेश्चंस, 4 से 5 कोडिंग डिकोडिंग से थे, मतलब ये वाला क्वेश्चन ज्यादा था। जैसे जैसे क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन में, जैसे कुछ में ये था कि जैसे करके कि आप 1 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन सी वैल्यू निकल रही है, ट्रायंगल की फॉर्म में जो होते हैं वो वाले टाइप के थे, और बीच में लाइन फॉर्म में था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, वो भी आया था। 7, 49, 10 क्या 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 था वो? एक ऐसा क्वेश्चन था सीरीज का, नंबर सीरीज जिसमें 25 दे रखा था, फिर 5, फिर 49, फिर 49 के बाद में सर एक अल्फाबेट दिए होते ऊपर और नीचे नंबर दिए होते और फिर नंबर पूछा था ये अल्फाबेट बताओ इस पर। वर्ड से रिलेटेड थे रीजनिंग में, वर्ड फॉर्मेशन का आया था, वर्ड फॉर्मेशन। किस तरह का क्वेश्चन था वो? मिस ऑर्डर थे वर्ड्स को, उसको अरेंज करना था कि अगर इनका ये है तो आप इसको अरेंज करके बताइए कि इसका क्या होगा, इस तरह से फॉर्म चेंज करके बताना था। उसी में से सिलेक्टिव था, मतलब ये नहीं कि आपको वर्ड सिलेक्टिव था, उसी में 2 वर्ड्स दे थे, उन्हीं में सिलेक्ट करके आप बता सकते हो। अच्छा, इंग्लिश बताओ आप लोग, इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश बहुत अच्छा था। किस किस का पूछा, क्या क्या पूछा? सिनोनिम, एंटोनिम, मिसस्पेल्ड वर्ड्स के वर्ड्स रॉन्ग आया था, पेनिसिया वाला वन वर्ड, इनडायरेक्ट था और एक क्या क्या क्वेश्चन क्या था वो? ये क्वेश्चन एक सब्स्टिट्यूशन वाले में आया था, द प्लेस वेयर द एनिमल्स लिव, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स लिव, उसमें ऑप्शंस थे। दूसरा था द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज इट कॉल्ड, पेनिसिया जिसका आंसर था, इसमें 4 ऑप्शंस थे। सेकेंडली उसमें अपोजिट और सिनोनिम्स पूछे गए थे, सिनोनिम्स में ये था कि अकर, अकर उसका एक आंसर था, और जो सिनोनिम एंटोनिम्स थे वो 3 से 4 आए थे।
दो सिनोनिम्स दो एंटोनिम्स इस तरीके से दो दो थे कॉम्बिनेशन उसका था। और बाकी है ना प्रोपोजिशन से ही क्वेश्चन था, उसमें था कि आपको प्रोपोजिशन भरना था, सेंटेंस दे रखा था ऑन का इनका उसका कॉम्बिनेशन था। फ्रेज था इसमें ब्रिंग अप वाला पालन पोषण करने वाला, और दो उसमें इडियम्स आए थे, एक फ्रेज आया था, दो PQRS भी आए थे, PQRS में लगाने के लिए आए थे। एक वो वाला था कि एक राजा था और वह कहीं जा रहा था घूमने के लिए, तो वहाँ उसकी उंगली काट ली गई और फिर उसकी बलि छटने वाली थी, लेकिन उसे देखा कि ये बैक टू सैडल करके ईडियम था। एक जेल का एंटोनिम्स आया था। जंबल ऑर्डर्स में थे, टू क्वेश्चंस थे जंबल ऑर्डर्स के, वो सेंटेंसेस को अरेंज करना था, काफी इजी थे, कोई ऐसा था नहीं उसमें। और उसमें जो पैसेज था उसमें वो था लार्स वैली के लिए, वैली के ऊपर था। वन क्वेश्चन फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव बॉयस एंड डायरेक्ट की जो घाटी है उसके बारे में, घाटी के बारे में था, वहाँ पे जीव जंतु कैसे रह रहे हैं उनके लिए था, वो उन्हीं पे था। ओके ओके, जनरल अवेयरनेस में और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो काफी होते हैं। ऑफलाइन पेपर होता है तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑनलाइन पेपर में इतना कहाँ समय याद रहता है। सबसे अच्छा कौन सा क्वेश्चन, मतलब सभी टॉपिक में, चारों टॉपिक में सबसे आसान कौन सा लगा और सबसे हार्ड कौन सा लगा? रीजनिंग और इंग्लिश सबसे अच्छा था। अच्छा रीजनिंग इंग्लिश आपके लिए, इंग्लिश 20 के लोग 20 प्लस कर सकते हैं। एडवांस कठिन लग रहा था। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आए ISSC CHSL के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में। ओके, हम लोग की कोशिश होती है कि तमाम क्वेश्चन आपको बताएं, और ख़ासतौर पर जो जनरल अवेयरनेस है उससे तो काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट बता रहे हैं। अच्छी बात है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिल रहे हैं जो लोग बता रहे हैं। जनरल अवेयरनेस में तो हमें लगता है कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, ये काफ़ी बड़ी संख्या होती है क्योंकि सबको याद नहीं होता उतना। ओके, और जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात है जो मैं बता रहा हूँ, उसमें जो है करेंट का 3-4 या 5 क्वेश्चन आए हैं करेंट से रिलेटेड, वो भी ज़्यादातर जो है 2019 के आ रहे हैं, 2020 के जो करंट अफेयर्स हैं वो उतने नहीं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी क्वेश्चन बनाया गया है वो फरवरी के शुरुआत में ही क्वेश्चन शायद इसके बना दिए गए होंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि जनवरी तक या जनवरी से पहले फलाने कौन थे वगैरह वगैरह। ओके, जो 2019 के करंट अफेयर्स आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे अगर 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही नहीं, उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके हो सकता है वो भी पूछा जा रहा है, तो हम लोगों ने बुक भी बनाई हुई है, उसमें यही खास बात है कि उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो भी हम लोगों ने डिटेल दिया हुआ है। वो बुक अवेलेबल है अमेजन पे, और PDF भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं सन्मय प्रकाश हूँ, YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए, और कैमरा संभाल रहे हैं अमित। हम लोग आगरा से ये रिव्यू कर रहे हैं, आगरा जहाँ ताजमहल है, और ताजमहल कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट बाहर के भी हैं वो लोग भी आ रहे हैं और अफसोस करके जा रहे हैं कि ताजमहल बंद है तो नहीं देख पा रहे हैं। ये एक वैसे ही मैंने बता दिया आपको। ओके,